नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC सिलेक्शन पोस्ट 10 की जो वैकेंसी आई थी तो उसका जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको रिजल्ट जो है चेक करके दिखाऊंगा वो भी लाइव। तो चलिए दोस्तों, आपको सर्वप्रथम आना है मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको जो है SSC डालकर सर्च कर लेना, जो SSC की वैकेंसी है तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो SSC के ऑफिशियल साइट पे आप पहुँच जाओगे, जहाँ से आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो, इसका स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, इसका कब रिजल्ट आया है आप देख सकते हो और कितना कटाव गया है आप ये भी देख सकते हो। तो इसके लिए आप जिस पे अप्लाई किए होगे, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए थे तो यहाँ फर्स्ट वाले PDF को आपको डाउनलोड करना है, अगर आप 10th के लिए तो यहाँ नीचे वाले, नहीं तो 12th के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया था उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो हम PDF को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि इसका कटाव कितना गया है और कितने कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए हैं, जो फेज वन जो है क्लियर हो गया है तो कितने कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट का जो है रिजल्ट आ गया है। सभी का तो ऑल रीजन रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, ये वैकेंसी पहले ही आई थी। तो यहाँ पर आपको जो है इसका पेपर आप दिए थे तो इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको एक PDF ओपन हो जाएगी, अगर आपके मोबाइल में PDF रीडर ऐप है तो ऑटोमेटिक ये PDF डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आने के बाद आपको जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ रिजल्ट किस डेट को, जो 18 नवंबर को यहाँ रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा दोस्त कि किस प्रकार से इसका जो है आपको रिजल्ट देखना है। तो यहाँ आप इस प्रकार से अपना जो है रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पूरी ऑल डिटेल यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद यहाँ नीचे और स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो हाल कैंडिडेट यहाँ पर OBC के कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, SC में कितने सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद जर्नल में कितने हुए हैं, इन सभी का यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसके बाद और इसको स्क्रॉल करते हुए जाओगे दोस्त तो यहाँ आपको दिखाई देगा रोल नंबर या DOB डेट ऑफ बर्थ द्वारा भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर के अंदर ही जितने स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद और इसको PDF को स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आप जितने भी इंडिया में जितने भी रीजन होते हैं उन सभी का ऑप्शन भी आ जाएगा, यहाँ से आप लाइव अपने रीजन पे क्लिक करके जो है आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्त इस प्रकार से आपको जो है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की वैकेंसी जो थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, यहाँ आपको ऑल रीजन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा तो अपने रीजन पे यहाँ आप क्लिक करके भी अपना रिजल्ट जो है आसानी से देख सकते हो। तो थैंक यू।